मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ब्लड अटैक विक्टिम सीमा सोलंकी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन के अफसर सुबह शिवाजी नगर पहुंचे। सीएम ने परिवार को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की, साथ ही कहा कि आरोपियों पर कठोर एक्शन लेंगे। मैं हूं ना ये वो बहादुर बहन है। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। जिसने गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की आईडी ऊपर तो करो यार, तो उनको थप्पड़ मारा था। पहले वो भाग गए थे भीड़ देख के, लो आईडी दे। और बाद में जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। इस घटना से मेरा अरे यार ये मन दुखी भी है लेकिन उद्वेलित उठा आईडी यार ज्यादा है। खबर भाई थोड़ा जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। मुख्यमंत्री ने कहा सीमा का इलाज राज्य शासन कराएगा, उसका साहस सराहनीय है। जिस हिम्मत से सीमा ने बदमाशों का मुकाबला किया वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरक है। उनके बेटे और बेटी पढ़ते हैं, इनके सहयोग के लिए भी कलेक्टर भोपाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उसको 1,00,000 रुपए का मैंने पुरस्कार दिया है। अन्याय सहन नहीं करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसकी प्रेरणा बनी है सीमा। मैंने बेटे बेटियों के बारे में पूछा, वो पढ़ते हैं, अभी यहाँ से दूर पढ़ते हैं। मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि अहमदाबाद मतलब उस इलाके के बजाय आसपास ही उनका एडमिशन होगा। सीमा के पति पुताई का काम करते हैं, जिनने ये हरकत की है। ऑटो वाटो के लाइसेंस, अब जिंदगी भर ऑटो तो क्या कुछ भी नहीं चला पाएंगे वो। इससे पहले रविवार सुबह मुख्यमंत्री ने संभागायुक्त गुलशन बामरा और पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को अपने निवास पर बुलाकर बैठक की। इसमें प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, ओएसडी योगेश चौधरी, कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौजूद रहे। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो हो गए, कठोरतम कार्रवाई होगी, लेकिन मैं सीमा के साहस को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उसने चुपचाप सहा नहीं। और किसी ने अगर आपत्तिजनक हरकत की तो हिम्मत के साथ मुकाबला किया। सीमा का संपूर्ण इलाज हम कराएंगे, अभी डॉक्टर आए हैं, देखेंगे प्लास्टिक सर्जरी और बाकी क्या हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और सीमा के साहस के लिए, सीमा शिवाजी नगर में रहती हैं, सीटी बजाने और भद्दे कमेंट का विरोध करने पर गुंडों ने उनके चेहरे पर ब्लेड मारा था, जिससे उनके चेहरे पर 118 टाके आए और एक आंख बुरी तरह जख्मी हो गई। पुलिस ने तीनों हमलावरों को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार देर रात ही मामले की मुख्य आरोपी बादशाह वेग और उनके साथी अजय उर्व बिट्टी सिविदे को पकड़ लिया। दोनों रोशनपुरा झुग्गी के रहने वाले हैं। तीसरे आरोपी निखिल को बाद में गिरफ्तार किया गया। धरपकड़ के लिए 5 टीमें गठित की गई थी। पुलिस ने महिला से पूछताछ कर आरोपियों का हुलिया तैयार किया था, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। चश्मदीदों, सीसीटीवी फुटेज और साइबर टीम की मदद से आरोपियों की शिनाख्त हुई।